अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल, और आज मैं आपको बताऊंगा नए आधार के बारे में, नए आधार ऐप के बारे में, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करा है। जी हां, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया ये ऐप है। इसकी मदद से होगा ये कि आप अपने फ़ोन को ले जाकर कहीं भी दिखाकर आप अपने फ़ोन में ही अपने आधार कार्ड को रख सकते हैं। एक तरह से ये पूरा डिजिटल होगा। यहाँ पर आप अपने डिटेल भी देख सकते हैं, साथ में अपना एड्रेस और अपना फोटो भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, और मैं बता दूं आपको ये अभी बीटा वर्जन में अवेलेबल है, और हो सकता है आने वाले और समय में इसमें और नए फीचर्स आ जाएं। ये ऐप बहुत आसानी से आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबके लिए करना क्या होगा। आपको इसके लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर आप देख सकते हो MAADHAAR, और आपको इसी सीक्वेंस में आपको टाइप करना होगा जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। जैसे आप इसको सर्च मारोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पर मैंने जहाँ पर सर्च मारा MAADHAAR, मोबाइल आधार इसका नाम है, MAADHAAR। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ये आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑफिशियल ऐप है, और ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसको इंस्टॉल करा, काफ़ी लोगों ने इसके मैंने रिव्यू देखे थे, तो वहाँ पर लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि उन लोगों को पासवर्ड इसका सेट करना नहीं आ पा रहा है, यानी कि इसका जो पासवर्ड है वो कैसे डालें ये नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको पासवर्ड की मैं टर्म और कंडीशन समझा देता हूँ। पासवर्ड की टर्म्स और कंडीशन ये है कि आपको एटलीस्ट 8 करेक्टर का तो सबसे पहले आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अल्फ़ाबेटिकली साथ में न्यूमेरिक प्लस एक स्पेशल करेक्टर, और साथ में अल्फ़ाबेटिकली जो आप यूज़ करोगे उसमें एक करेक्टर आपका बड़ा होना चाहिए, मतलब कैपिटल होना चाहिए, कैप्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहाँ पर आप मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी कोई भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे मान के लिए Amit12345 मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने टर्म्स और कंडीशन पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर आप देखो इसकी टर्म कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कंफर्म पर जैसे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 8 करेक्टर, और उसके बाद विद एटलीस्ट 1 डिजिट स्पेशल करेक्टर, 1 स्पेशल करेक्टर, और साथ ही आपका 1 कैप्स अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब कि कैपिटल में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सही बिल्कुल एडवाइस देता हूँ कि यहाँ पर आप पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करें। कि मान के चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करता हूँ PQRS, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कैपिटल P लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ Q, फिर मैं लेता हूँ R, फिर मैं लेता हूँ S, PQRS। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर लेना है, तो यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट @ ले सकता हूँ, ठीक है, और 1 2 3, तो यहाँ पर PQRS@123, तो मेरा टोटल 8 का हो गया। तो यहाँ पर मैं अभी इसको कंफर्म कर देता हूँ, तो वही मुझे कैपिटल में लेना पड़ेगा, P, फिर Q, फिर R, फिर S, और यहाँ पर आपका @123। अब मैं इसको जैसे कंफर्म करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेरा पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, योर पासवर्ड इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप स्कैन QR कोड को भी कर सकते हैं, मतलब अपने जो आपका आधार कार्ड होगा उसको, आधार कार्ड के आपके जो QR कोड होगा उसको आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं उसको स्कैन करना, या आपको अभी आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप उसका आधार कार्ड का जो नंबर है आपके अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप डायल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक आधार कार्ड आ जाएगा। इसमें आप एक से ज़्यादा आधार कार्ड को ऐड कर सकते हैं। आप कहीं भी अगर जा रहे हो और वहाँ पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही हो, तो यहाँ पर आप उसको दिखाकर भी उसका काम चला सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, जो कि क्योंकि ये बीटा टेस्टर पे काम कर रहा है, तो हो सकता है इसमें नए अपडेट और आ सके, क्योंकि ये अभी एक तो दिखा नहीं रहा है वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से, और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा अभी लैग कर रहा है, मतलब थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा जैसे ही बढ़ता चला जाएगा और लोगों को इसकी जानकारी होती चली जाएगी, तो ये आपको पता चलेगा। मेरा जो मेन मोटो था वो था आपको पासवर्ड को सिलेक्ट करना, पासवर्ड का आप कैसे डालोगे, पासवर्ड आप कैसे क्रिएट करोगे, ये मेरा बताना था। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।